Dear students, Assalamu alaikum. This is your class of biology for class 8 and it is for lecture number 2. Today is Thursday and today we are going to discuss about the branches of biology. Dear students, इससे पहले लेक्चर में हमने बायोलॉजी को डिफाइन किया था, उसके जो मेजर डिविजन्स थे वो हमने पढ़े थे और दो तीन ब्रांचेस हमने जो है वो ऑलरेडी डिस्कस किए थे। आज हम उस लेक्चर के बाद से कंटिन्यू करेंगे और आज जो हमारा ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में जो हमारे साथ जो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वो बायोलॉजी है वो है हमारे साथ हिस्टोलॉजी। सो व्हाट इज बेसिकली हिस्टोलॉजी मीन्स? Histology, it is the branch of biology which deals with the study of composition, structure and function of plants and animal tissues. Biology के इस branch में हम पढ़ते हैं उन plants और animal tissues के composition, structure और function के बारे में जो अपना function perform करते हैं plants में और animal tissues में। मिसाल के तौर पर हमारे साथ प्लांट में टिश्यूज हैं जाइलम एंड फ्लोम, तो जाइलम एंड फ्लोम की हिस्टोलॉजी में हम स्टडी करेंगे उसकी कंपोजिशन कि वो किस चीज़ से बना है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है और वो क्या फंक्शन वो परफॉर्म करता है, तो इसको हम पढ़ते हैं हिस्टोलॉजी में। नेक्स्ट ब्रांच हमारे साथ है फिजियोलॉजी। बेसिकली फिजियोलॉजी जो है वो it is the branch of biology which deals with the function of different parts of an organism. मतलब किसी भी living organism के जो different parts है वो क्या क्या function perform करते हैं उसको हम study करते हैं physiology में। मिसाल के तौर पर हम अगर human body को ले तो human body में हमारे साथ different parts है उस human body के। मिसाल के तौर पर brain है, heart है, lungs है, किडनीज है, पेंक्रियाज है, लिवर है, तो इन सब को हम डिस्कस करते हैं फिजियोलॉजी में और इस हर एक का अपना एक खास फंक्शन है। इसके बाद हमारे साथ है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी बेसिकली इट डील्स विद एम्ब्रियो एंड फिनोमेना इन्वॉल्वड इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो एंड इट्स डेवलपमेंट इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। बेसिकली एम्ब्रियोलॉजी जो है वो डील करता है उस चीज के मुताबिक के एम्ब्रियो किस तरह बनती है और कौन सा फिनोमेना जो है इसमें इन्वॉल्व होता है जो एम्ब्रियो को बनाता है और आखिर में उसको डेवलप करता है एक न्यू ऑर्गेनिज्म में, तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। मतलब ये है कि अगर ऑफस्प्रिंग जिस तरह बनते हैं ह्यूमंस में या किसी भी एनिमल्स में, तो उस ऑफस्प्रिंग का प्रोसेस कैसा है, वो कैसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, स्टार्ट से लेके एंड तक वो जो पूरा का प्रोसेस है उसको हम स्टडी करते हैं एम्ब्रियोलॉजी में। ठीक, नेक्स्ट हमारे साथ है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी बेसिकली हमारे साथ है स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। मतलब हम जब किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं और उसको हम साइंटिफिक नेम देते हैं, एक साइंसी नाम देते हैं, तो इसको हम स्टडी करते हैं टैक्सोनॉमी में। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि हमारे साथ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो बहुत ही डाइवर्स हैं और देर आर मिलियन इन नंबर्स, तो उनको स्टडी करना पूरे यूनिवर्स में थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर हम लेट्स सपोज अगर यहाँ पे कोई चीज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म या कोई भी प्लांट है उसको हम एक लोकल नाम देते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में लेट्स सपोज अगर आप किसी दूसरे कंट्री चले जाए तो मे बी उसका वो नाम ये ना हो जिसको हमने यहाँ पे नाम दिया हुआ है, तो इसीलिए साइंटिफिक नाम हम देते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को ताकि हम उसको ईजिली स्टडी कर सकें। मिसाल के तौर पर एक हमारे साथ यहाँ पे प्लांट है सरसों, तो सरसों इसका यहाँ पे उर्दू में नाम है और उसको हम इंग्लिश में कहते हैं मस्टर्ड, लेकिन थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है इसको पहचाना जाता है किस चीज़ से, ब्रासिका कॉम्पेस्ट्रिस। तो ब्रासिका कॉम्पेस्ट्रिस बेसिकली इसका साइंटिफिक नाम है और इस साइंटिफिक नाम से इसको पूरी दुनिया में जाना और माना जाता है। फिर हमारे साथ है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी जैसे इसके नाम से जाहिर है इसको हम कहते हैं
स्टडी ऑफ सेल्स एंड देयर ऑर्गेनेल्स। सेल के मुताबिक जब हम स्टडी करते हैं और उसमें जो ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं तो इसको हम कहते हैं सेल बायोलॉजी, और सेल बायोलॉजी को हम आल्सो भी कहते हैं साइटोलॉजी। मिसाल के तौर पर हमारे साथ पे सेल के दो टाइप्स हैं, एक है प्रोकैरियोटिक सेल है और यूकैरियोटिक सेल है, ये आगे आप पढ़ेंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या पाया जाता है और यूकैरियोटिक सेल में क्या पाया जाता है, तो ये सारा हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन सेल बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं सेल के मुताबिक। फिर हमारे साथ है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी जो है वो बेसिकली डील करता है इम्यून सिस्टम से। जब भी हम हमारे ऊपर कोई बैक्टीरिया या वायरसेस अटैक करते हैं तो हमारे बॉडी में अल्लाह ताला ने ऐसा एक निज़ाम बनाया है कि उस अटैक से या उस अटैक से हमें बचाने के लिए हमारे बॉडी क्या है, एक डिफेंस सिस्टम है। मिसाल के तौर पर जिस कंट्री पे भी कोई अटैक करता है तो उसकी एक आर्मी होती है जो उस कंट्री को डिफेंड करती है। इसी तरह बॉडी के ऊपर भी अगर कोई वायरसेस या बैक्टीरिया अटैक करते हैं तो बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडी का डिफेंस सिस्टम होता है, और उसको हम स्टडी करते हैं इम्यूनोलॉजी में। तो इसमें हम स्टडी करते हैं बेसिकली इम्यूनोलॉजी में बॉडी का डिफेंस सिस्टम अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वो डिजीज जो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से कॉज होती है ह्यूमन को, तो उससे बचाने के लिए ह्यूमन बॉडी के अंदर एक डिफेंस सिस्टम है जिसको हम कहते हैं, जिसको हम स्टडी करते हैं इम्यूनोलॉजी में। आखिर जो हमारे साथ आज का ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है वो हमारे साथ है एंटोमोलॉजी, और एंटोमोलॉजी में बेसिकली हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। कीड़े मकोड़ों के मुतालिक जो स्टडी है या इंसेक्ट्स के मुतालिक जब हम पढ़ते हैं तो इसको हम कहते हैं एंटोमोलॉजी। सो ये डियर स्टूडेंट्स था आप लोगों का आज का लेक्चर, होपफुली कि आप लोग समझ चुके होंगे। सो थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर।